हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शिवान त्रिपाठी, तुम सबका नया दोस्त, इस वीडियो का होस्ट। तुम्हारा स्वागत है इस वीडियो में। तो हाल ही में मैं गौरव के चैनल को कर रहा था थोड़ा स्क्रॉल, तो मुझे दिखा कि पिछले कुछ दिन में उसने दो वीडियो पोस्ट किए जो तुम्हें मोटिवेशन देती हैं। तो मुझे लगा कि गौरव मोटिवेशन दे रहा है, अगर उसने तुम्हें रास्ता दिखाया है तुम्हें गौरव भैया ने, तो क्यों ना मैं तुम्हें बताऊं कि साथ में चलना कैसे है। आखिर अगर तुम्हें मोटिवेशन जरूरत पड़ रही है एक रास्ते के लिए कि तुम कैसे सक्सेस पाते हो या तुम कैसे अपने हैबिट्स को छोड़ते हो, तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी तुम रास्ते में चलो कैसे। मतलब तुम्हें अगर रास्ता पता है कि तुम्हें गोरखपुर जाना है, तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम गाड़ी से जाओगे तो तुम इतने दिन में पहुंचोगे, ट्रेन से जाओगे तो तुम इतनी देर में पहुंचोगे, पैदल जाओगे तुम्हें एक दो हफ्ते लग सकते हैं। तो तुम्हें रास्ता तो पता चल गया, लेकिन चलना कैसे ही मैं बताता हूं। तो चलो वीडियो को शुरू करने से पहले जो इस टॉपिक है इस पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, अपनी कहानी। मतलब ये कोई इंस्पिरेशन स्टोरी नहीं है, तुम इसे लेकिन सीख सकते हो कि तुम ये गलती ना करो जो मैंने की, अभी सुधार रहा हूं। तो क्या है कि क्लास टेंथ के बाद जब हम क्लास टेंथ हमारा ऑनलाइन भी था, तो क्लास टेंथ हमने एग्जाम दिया प्री बोर्ड का, मैं ऐसे पढ़ के चला गया था, रट के चला गया, मेरे आ गए 85%। 11th में आया मैं वही मौज में, एकदम मौज के मूड में था। यहां पे जो मैंने हरकत की थी वो थी प्रोक्रास्टिनेशन। ये एक शब्द है, लेकिन ये एक शब्द पूरी जिंदगी बदल के रख देता है, तबाह कर देता है, और हाँ सवार भी देता है। अगर तुम प्रोक्रास्टिनेशन नहीं कर रहे हो तुम बहुत ही अपनी जिंदगी तुम सवार रहे हो, तुम सक्सेस पाओगे, लेकिन अगर तुम करते हो तो छोड़ दो। तो 11th में आया और मैंने करना शुरू कर दिया प्रोक्रास्टिनेशन, कि आज सर ने पढ़ाया है मैं आज नहीं पढ़ूंगा, मैं कल पढ़ूंगा, मेरा मन नहीं, मैं भी टीवी देखूंगा, मैं फ्री फायर खेलूंगा, मैं गेम खेलूंगा, मैं इंस्टा चलाऊंगा। इसी में मेरा पूरा 11th बीत गया। करते 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 आ गया 11th का फाइनल, और यहाँ पे मुझे आता कुछ भी नहीं था, बस किसी तरह मैं रटते रटते एग्जाम के टाइम तक मैं इतना लिख के चलाया कि मैं 12th में पास होकर चला आया। अब यहाँ पे पता दिक्कत क्या हुई, मैं 12th में चला तो आया, बट 11th के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मुझे समझ आते ही नहीं है। तो अभी 12th ग्रैप करने मुझे हो रही थी दिक्कत, तो मैं अब धीरे धीरे अपना कुछ सुधार रहा था। अब कुछ 11th के कुछ या ऑलमोस्ट 11th कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो चुके हैं, 12th में मैं धीरे धीरे शुरू कर चुका हूँ, और धीरे धीरे शायद आगे चलके सक्सेस मिल जाए। बट अगर मैं प्रोक्रास्टिनेशन पहले नहीं करता तो शायद मैं अभी एक अच्छी कंडीशन में होता। और रही बात ही मैंने किया कैसे, क्योंकि भाई मैं भी इंसान हूं, मेरी भी टेंडेंसी है तुम सबकी तरह, मुझे भी प्रोक्रास्टिनेशन करने में बड़ा मजा आता है कि ये पढ़ाई रहन दो गेम खेल लेते हैं, पढ़ाई रहन दो फोन के चला लेते हैं, थोड़ा इंस्टा स्क्रॉल कर लेते हैं, सोशल मीडिया पर थोड़ा एक्टिव रह लेते हैं। मेरी लाइफ तब बदली जब मैंने पढ़ी दो बुक, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड द हैबिट्स। इन दो बुक का जो डिटेल है ना, वो मैं शेयर करना चाहूंगा कि मैंने इसे पढ़ा, मैंने इससे क्या सीखा। चाहो तो तुम भी ये दो बुक खरीद सकते हो, पढ़ लो अगर जानना है तो। मैं अपने बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें ये सीखना है कि तुम अपने हैबिट्स कैसे बदलो, तो गौरव ने तुम्हें रास्ता जरूर बताया है, तुम्हें हिम्मत कैसे आएगी। तो तुम जैसे गौरव ने कहा कि तुम्हें टास्क बनाना, तुम टास्क बनाओ, बट उसे फॉलो करने तुम्हें हिम्मत नहीं। देखो क्या है ना कि हम जब सुबह उठते हैं, कि मैं अपने सोच के रखा कि हमें सुबह 5 बजे उठना है, और हमें एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करनी है। अगर हम सुबह अलार्म बजा और हम उठे नहीं, हमने कहा 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में क्या जरूरत है, दिमाग का खेल देखो कि 5 मिनट रुक जाओ, ऐसा क्या हड़बड़ी हो जाएगी 5 मिनट में। तुमने अलार्म कर दिया स्नूज, तुम उठते हो सीधे स्कूल के टाइम पे, उधर मम्मी आती है बेलन से उठाने के लिए, उठ जाने तो तुम्हें सीधे बेलन से सूद देंगे। तो यहाँ पर तुम्हें मम्मी तुम्हें आती, फिर तुम्हारा सुबह का पूरा प्लान खराब, टास्क या टाइम तुम्हारा खराब, फिर तुम्हारा दिमाग वही कहता है भाई छूट गया यार शिट। फिर तो तुम्हारा बात का टाइम टेबल, स्कूल से आने के बाद ड्रेस करना, खेलना, तुम ये तो करोगे, टीवी देखना तुम भी देखोगे, लेकिन तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, तुम कहोगे सुबह रह गया तो मैं अभी कैसे कर लूं, तो रहन दो फिर कल से करते हैं, और कल से तुम्हारा यही हाल है। तो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट फॉलो अ साइकोलॉजिकल फैक्ट विच इज 21 डे कॉन्सेप्ट। अभी 21 डे कॉन्सेप्ट है क्या, ये कोई बड़ी हवा चीज नहीं है, केवल एक ही चीज, सिंपल सी चीज है, एक सिंपल सी ट्रिक है, जैसे तुम अपने माइंड को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। अब तुम कहोगे माइंड को कंट्रोल में करने का क्या मतलब, हम पागल है? नहीं, मेरी बात समझो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे अंदर है, लेकिन वो तुम्हें कंट्रोल कर, तुम दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। वो जब चाहे तुम सो रहे हो, तुम मस्ती कर रहे हो, लेकिन वो चाह रहा है कि तुम ना पढ़ो, तुम नहीं पढ़ रहे हो। इसमें नुकसान तुम्हारे माइंड का तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम ही नहीं पढ़ रहे हो, माइंड का क्या है। तो तुम्हें फॉलो करना है 21 दिन का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज दिस 21 डे कॉन्सेप्ट, इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट विच इज कि तुम्हें 21 दिन तक एक चीज करनी है। तो ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर तुम 21 दिन तक कोई एक चीज करते हो या तुम कोई चीज नहीं करते हो, तो वो तुम्हारी हैबिट बन जाती है, समझ रहे हो। मतलब अगर 21 दिन तक मैं वर्कआउट कर लेता हूं, तो फिर मेरी वो हैबिट बन जाएगी, फिर वो लाइफ टाइम नहीं छूटने वाली। और अगर 21 दिन तक मैं जो है
पढ़ाई छोड़ देता हूं तो फिर मेरे से पढ़ाई नहीं होने वाली। ये है कॉन्सेप्ट। अपने टास्क को बस खाली तुम 21 दिन करो, ब्रेन से बोलो हमें 21 दिन करना है। और अगर तुम्हें सच में सक्सेसफुल होना है, अगर तुम्हें सच में अपनी हैबिट्स को बदलनी है, तो यार अपने बड़े यानी कि मम्मी पापा या बड़े भाई छोटी बहन किसी से भी कह दो, बस 21 दिन मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरी हैबिट बन जाएगी। तो अपने टास्क को तुम्हें पूरा करना हो या तुम अपनी जो है टाइम टेबल को पूरा करना हो, द ओनली वन थिंग इज 21 डे कॉन्सेप्ट। और प्रोक्रास्टिनेशन से बचो भाई, क्योंकि ये एक शब्द तुम्हारी जिंदगी पलट देगा। तुम अभी 10th से होके 11th में आओगे, अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो तुम 12th ग्रैब नहीं कर पाओगे। ये तुम्हारा भ्रम है। ये यूट्यूब पे बहुत सारी भ्रम है कि 11th बर्बाद तो 12th आबाद कैसे करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें पढ़ना 11th पड़ेगा चाहे जो हो जाए। सो इसी के साथ मैं करता हूँ वीडियो को एंड, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और हाँ बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।